ब्रह्म आत्म महिमा इस शीर्षक के इस कड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आलोचना कर रहे हैं ब्रह्म आत्म महिमा के ऊपर, प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के प्रवचन का एक अंश लेके बढ़ रहे हैं। आइए सुन लेते हैं उनका प्रवचन। उनकी बातें बारंबार बारंबार सुननी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी भूल हमसे हो गई है, उस भूल को बराबर करने के लिए बार बार सुनना पड़ता है। अक्सर हमारे पास सवाल आते हैं कि बार बार क्यों हम बाबा ठाकुर की एक ही वाणी को सुनते हैं। तो यही कहूँगा कि मेरा जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, एक किताब या एक उनकी स्पीच को, ऐसा भी मेरा समय गया है 50 बार 60 बार मैंने एक ही स्पीच को सुना है। और आप हैरान हो जाएंगे कि 5-6 बार सुनने के बाद जो अर्थ बोध निकलना शुरू होता है, वो अर्थ बोध निकलना थमता नहीं है, चलता जाता है। हर बारी जब आप नए सिरे से सुनते हैं तो एक नया अर्थ बोध निकलता है। इसलिए ज़रा ध्यान कर लें, आप लोगों का भी यही एक्सपीरियंस होगा। अगर आप लोगों का ये एक्सपीरियंस नहीं हो तो देखिएगा, क्योंकि आत्मा आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। आप भी भूल गए, मैं भी भूल गया। जो नहीं भूले हैं उनकी बातों को बारंबार सुनना पड़ेगा। ये पूर्ण सत्य की बात है, आंशिक सत्य की बात नहीं है। जगत में जिस सत्य की चर्चा होती है वो है आंशिक सत्य। तब के लिए ठीक है, ये घटना घट गई, एक आदमी झूठ बोल रहा है, एक आदमी सही बोल रहा है। अब जो सही बोल रहा है उसकी बात जब साबित हो गई, सब कहने लगे भाई उसने सत्य बोला। अब ये जो सत्य है केवल उस घटना से रिलेटेड है, उतने से रिलेटेड, उतनी बात से रिलेटेड ये सत्य है। ठीक है, सत्य है, लेकिन आंशिक है। ये पूर्ण सत्य है, इसका हमारे पास और कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम इस पूर्ण सत्य के बारे में जान सकते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। अहम देव वही है पक्का मैं, असली मैं, जिसको ब्रह्म कहता है, आत्मा कहता है, ईश्वर कहता है। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, ससीम भी है, क्योंकि वही है असली सत्य जिसका गुण उपाधि साथ युक्त होने की बात वो भिन्न मालूम होता है। अब इस ब्रह्म आत्म महिमा में हम ब्रह्म आत्म विद्या पार्ट 1 के पेज 156 में फॉलो कर रहे थे, और लास्ट जो श्लोक है, लास्ट जो उनकी उक्ति है, जो आपका सहजात है उसको पाने के लिए साधना करना केवल झूठा दिखावा है। हमने पिछले एपिसोड में ये डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि साधना का अर्थ क्या है, ना को साधो या साधना, ये डिस्कस कर लिया। साध यानी डिजायर, ना होना। आगे कहते हैं, एकमात्र बात है कि चैतन्य को अपनी अनुपस्थिति की अनुभूति कभी नहीं हो सकती है। यह भी थोड़े से गौर करने वाली बात है। जो कॉन्शियसनेस है, चेतन है, जो हमेशा चेतन ही है, वो नहीं है, ये भाव उसके अंदर कभी नहीं होगा। हम जैसे कह देते हैं मैं कौन हूं, जैसे मैं नहीं हूं, इस सोच से कह रहा हूं कि मैं कौन हूं, मैं तो हमेशा हूं, नहीं तो बोल कैसे रहा हूं, चल कैसे रहा हूं, सुन कैसे रहा हूं, देख कैसे रहा हूं, ये सारी चीजें मैं हूं तभी ना कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं मैं कौन हूं। तो इस मैं की अनुपस्थिति की अनुभूति कच्चा मैं को हो रही है, लेकिन पक्का मैं जो चैतन्य सत्ता है वो कैसे कभी भी अपनी अनुपस्थिति को अनुभव करेगा, हो ही नहीं सकती है। गहरी नींद में कोई ना कोई एक मैं है जो सुबह उठ के बोलता है कि भाई बड़ी अच्छी नींद आई थी, कुछ पता ही नहीं चला। आगे कहते हैं, तपस्या है अपने आप को खोकर फिर आप ही खोजना, अर्थात पहले अस्वीकार करके फिर स्वीकार करने की कोशिश करना। देखिए आज के युग के लिए कितनी सरल दवा दे दी है, आसान सी दवा है। क्यों अपने आप को पहले इनकार करके फिर तपस्या के माध्यम से अपने आप को खोज रहे हो? तपस्या वगैरह का भी अर्थ उन्होंने अलग से बताया है, लेकिन ख्याल करें इस बात को, खोज के पाओगे क्या? खुद ही को पाओगे? ईश्वर को कहीं आसमान में कहीं अलग से नहीं पाओगे, गुरु को कहीं अलग से नहीं पाओगे, खुद ही के अंदर
गुरु को अपने साथ एक रूप से पाओगे, वो एक ऐसी जगह है जो तुम्हारा अल्टीमेट स्थल है। वो जगह जाके तुम्हारी सारी खोज समाप्त होती है। अब वो क्या कह रहे हैं, चूंकि कलयुग है, आयु कम है, इंसान बहुत व्यस्त रहता है, समय नहीं है, बोले अपने आप को केवल मान के चलो, अपने अहंकार को मानो नहीं, कह रहे हैं अपने आत्मस्वरूप को मानो, जिसकी वजह से अहंकार आज तुम्हें दिख रहा है या अहंकार का व्यवहार हो रहा है, तुम देहगत बुद्धि लेके जो चल रहे हो केवल उसी की वजह से चल रहे हो। तो ये जो शब्द हैं, ये जो उनकी वाणी है, इसका गलत अर्थ ना निकल जाए इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। तपस्या है अपने आप को खोकर फिर अपने आप को खोजना, अर्थात पहले अस्वीकार करके स्वीकार करने की कोशिश करना। तपस्या करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन तपस्या दूसरे किस्म की तपस्या की बात कर रहे हैं। जो तपस्या कोई कर रहा है उसको मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास तपस्या का समय नहीं या जो इस तरफ रत नहीं है, उससे कह रहे हैं कि अगर इस सोच को लेकर आगे बढ़ोगे तो वही तुम्हारी तपस्या होगी। तप अर्थात हीट, हीट जनरेट होगा तुम्हारे अंदर जब तुम इस अपने पक्के मैं के बारे में ध्यान करके सारे कार्य करोगे, सारे जगत को पक्का मैं मानोगे, आत्मा मानोगे, ईश्वर मानोगे और खुद को भी मानोगे। ये मान के जब आप कार्य करोगे तो उस हीट से आपके जो नानात्व बहुत्व है, आप जल नहीं जाओगे, लेकिन आपके अंदर का अज्ञान जल के राख हो जाएगा। फिर सोचोगे, जब ज्ञान जाग उठेगा पूर्ण रूप से, तो फिर सोचोगे कि अरे ये अज्ञान गया कहाँ, कमरे के अंदर अंधकार था, आए रोशनी जलाई, अंधकार गया कहाँ। अरे वो अंधकार रोशनी की न्यूनतम अवस्था है, लोएस्ट यूनिट ऑफ लाइट है, ऐसा हमने उनके मुंह से सुना है। अब सुन सुन के एक विश्वास पैदा हो गया है कि नहीं, हम भी वही हैं जो वो खुद थे। अपने आप को कभी अपने से किसी दूसरे से अलग नहीं करते थे, कहते थे कि केवल तुम भूल गए हो, अगर कोई फर्क है वो भी तुम्हारे एंगल से है, मेरे एंगल से कोई फर्क नहीं है, तुम सिर्फ भूल गए हो। इसलिए सुनो अपनी आत्म महिमा, जो हमारे इस कड़ी का शीर्षक है, आत्म महिमा। आगे कहते हैं, देखिए बड़ी सुंदर सुंदर कुछ बातें हैं, सुन लें। अखंड के अंदर तुम स्वयं अपने आप को केवल कल्पना द्वारा खंड करते हो, इस भाव से तुम अपराध करते हो, फिर तुम स्वयं उनके साथ युक्त होने की चेष्टा करते हो, जिस भाव की वजह से अपराध हुआ उसी भाव को स्थायी रखकर अपराध से मुक्त होने की प्रचेष्टा सफल नहीं हो सकती है। इस प्रकार अपराध के शोधन की चेष्टा भी कल्पना है। बहुत ही क्लियर कट लफ्जों में उन्होंने इस बात को यहां जाहिर कर दिया है। देखें जरा, फिर से सुन लें, क्योंकि ये सुनने से ही जाके अंदर बैठेगा। अखंड के अंदर तुम स्वयं को, अपने आप को केवल कल्पना द्वारा खंड करते हो। तुम असलियत में अखंड हो, कल्पना द्वारा खंड अर्थात अपने आप को सीमित समझ के तुम आगे बढ़ रहे हो, तो खंड कर रहे हो अपने अखंड स्वरूप को, ये कल्पना के माध्यम कर रहे हो। कल्पना इमेजिनेशन, जो है नहीं इन रियलिटी, इमेजिन करके तुम कर रहे हो। आगे कहते हैं, इस भाव से तुम अपराध करते हो। देखिए, हमारे अपराध की डेफिनेशन और उनके अपराध की डेफिनेशन, आत्मस्वरूप को न मानना है अपराध और दूसरा कोई अपराध नहीं है उनके हिसाब से। आगे कहते हैं, फिर तुम स्वयं उनके साथ युक्त होने की चेष्टा करते हो, जिस भाव की वजह से अपराध हुआ उसी भाव को स्थायी रखकर अपराध से मुक्त होने की प्रचेष्टा सफल नहीं हो सकती है। इस प्रकार अपराध के शोधन की चेष्टा भी कल्पना है। आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं, अगला दोहा पढ़ते हैं। कभी भी उनको अपनी तरह पाने की कोशिश मत करो, उनकी तरह बनकर उनके अपने हो जाओ। पानी का बुलबुला अगर समुद्र को अपने अधीन चाहे तो क्या यह संभव है, बल्कि बुलबुला समुद्र में मिलकर एक होकर समुद्र ही बन जाएगा। बुलबुले में अलग से समुद्र कभी नहीं हो सकता है, अलग से समुद्र कभी नहीं हो सकता है।
लेकिन बुलबुला अपने आप को समुद्र बना सकता है, समुद्र में मिलके एक होके विलीन होकर समुद्र ही बन जाएगा। ये समुद्र का उदाहरण अक्सर दिया जाता है, बुद्बुद आकार में धी बुद्धि धी सागर, ये सब हम अपनी पिछली कड़ियों में कर चुके हैं। आगे भी जब भी मौका लगेगा हम फिर इसको डिस्कस करेंगे, फिर से हम अपनी याददाश्त को पूरी करने के लिए। देखिए एक और हिदायत उन्होंने दे दी कि अपनी तरह कभी उनको पाने की कोशिश मत करना। अपनी तरह अर्थात हम जैसे वस्तु जगत में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरा ये भला हो वो भला हो, मेरे बच्चे का ये हो, बीवी का ये हो, माँ का ये हो, इत्यादि इत्यादि, ये वस्तु जगत की भलाई चाहना, इस चाहत के हिसाब से उनको पाने की कोशिश मत करना। तो क्या करना, उनकी तरह बनकर उनके अपने हो जाओ। अर्थात उनकी अपनी तरह बनकर मैं कैसे बनूंगा भाई, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा समझता हूं, तो यहां से कैसे मैं उनकी तरह बन जाऊंगा। तो कह रहे हैं बड़ा आसान तरीका है, अरे वो कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर पूर्ण रूप से मौजूद है, उनको मान लो। उनको मान के महत को बृहत को पूर्ण को अपूर्ण जो अपने आप को सोच रहा है मान सकता है, जान नहीं सकता, पा नहीं सकता है। अरे इतने से बर्तन में 10 लीटर पानी आ सकता है, छोटा सा उदाहरण। ये बर्तन अपने आप को जब तक 10 लीटर के बराबर नहीं करेगा तब तक पानी नहीं समा सकता, दूध नहीं समा सकता। तो यही कह रहे हैं कि उनके जैसे बन जाओ, उनको मान लो, उनको अपना लो, तुम्हारे ही अंदर मौजूद हैं, इस भाव से उनको अपना लो। आगे कहते हैं पानी का बुलबुला अगर समुद्र को अपने अधीन चाहे तो क्या ये संभव है, अधीन अपने कंट्रोल में। देखिए मन की एक आदत है, हर चीज चाहता है, हर चीज अपने अंडर में चाहता है। अगर कोई आगे निकल जाए तो उसको ले नहीं पाता है, और जो आगे निकल गया उसको अपने कंट्रोल में अंडर में पकड़ के रखने की कोशिश करता है, उसके ऊपर आधिपत्य करना चाहता है, बॉसिंग जिसको बोलते हैं करना चाहता है। ख्याल करिएगा हर एक के मन में ये वृत्ति है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, लेकिन हर एक को इस लेसन की जरूरत है, स्व लेसन अर्थात स्वाध्याय, स्वयं का अध्याय, स्वयं को ही पाठ करना है। स्वाध्याय, स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्याय, स्वयं को ही पाठ करना है, कोई दूसरा नहीं पाठ कर सकता इस अध्याय को। गौर करिएगा, दूसरा आपको गीता सुना सकता है, भागवत सुना सकता है, रामायण सुना सकता है, लेकिन पाठ नहीं कर सकता है, आपका अध्याय ये आपको ही करना है। आगे कहते हैं होने के लिए जो विज्ञान है उसे आत्मविज्ञान कहते हैं, पाने के लिए जो विज्ञान है वह है वस्तु विज्ञान अर्थात अनात्म विज्ञान, अज्ञान का विज्ञान। होने के लिए अर्थात हो जाने के लिए, हो जाओ तुम जो असलियत में हो वही हो जाओ। तो ये जो होने का विज्ञान है और जो पाने का विज्ञान है, जो मन बुद्धि अहंकार चाहते हैं, पाओ पाओ और लो और पकड़ो, अपने पास रखो, जो है उसको संभाल के रखो, इत्यादि इत्यादि, ये डिग्रेड नहीं कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको नीचा दिखाया जा रहा है, उनको केवल कहा जा रहा है कि आप पूर्ण थे, आपकी अपूर्णता आपकी कल्पना है, तो ये जो पूर्ण स्वरूप है इसको मान लो, केवल, कभी किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते हैं आत्मज्ञानी। तो दोस्तों हमारा फिर समय समाप्त हो गया, ये आत्म महिमा टॉपिक जारी रहेगा हमारी अगली कड़ी में। आइए सुनते हैं केदार जी से एक प्रज्ञान पुरुष का उद्गत भजन। ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म, ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म, सच्चिदानंद घन गुरु, गुरु सच्चिदानंद घन, ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु।
नित्य शुद्ध निराभास निराकार निरंजन नित्य बोध चिदानंद गुरु ब्रह्म सनातन स्वतत्व गुरु तत्व गुरु तत्व स्वतत्व परम गुरु ज्ञान आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान गुरु स्वयं ईश्वर आत्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म ईश्वर आत्मा ब्रह्म गुरु गुरु साध्य सिद्धि साधन गुरु ब्रह्म आत्मा सदा मौन प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञानीश्वर आत्मबोध में सर्वसम प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञानीश्वर आत्मबोध में सर्वसम स्वतः सिद्ध गुरु स्वानुभूति तत्प्रकाश लक्षण स्वत सिद्ध गुरु कृपा स्वानुभूति तत्प्रकाश लक्षण ईश्वर आत्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वर आत्मा सभी गौण रूप्रीति परा सिद्धि अन्य सिद्धि सभी गौण ईश्वर आत्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन गुरु चिदानंद